एवरीवन, वेलकम बैक टू कैरियर पॉइंट एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है कॉन्शियसनेस। इसके पहले जो क्लासेस हुई थी उनमें हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या थे, नॉन डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या थे, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होता है? जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ कई तरह की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कोई भी एनीथिंग, कुछ भी जो प्रेजेंट होता है, जिसे हम फील करते हैं, यानी कि हम सेंसेशन फील करते हैं। फील करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पांस देते हैं, ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, चेतना। जैसे कि कोई यहाँ पे कोई शीट हो गई, या कोई बर्तन हो गया, या कोई ऐसी सरफेस हो गई जो कि गर्म है, ठीक है, तो जब हम उसे टच करेंगे तो क्या होगा, हम उस हीट को क्या करेंगे, फील करेंगे। उस हीट को जब हम फील करेंगे तो क्या करेंगे, हम हीट को फील करने के बाद क्या करेंगे, वहां से हाथ हम वहां से तुरंत अपना हटा लेंगे, ठीक। तो क्या हुआ, हमने उसे क्या किया, उस फैक्टर को, स्टिमुलस को क्या किया, फील किया, और हमने तुरंत वहां से हाथ हटा लिया। यानी कि ये जो हाथ हटाना था, ये था क्या, हमारा रिस्पॉन्स, ठीक। यानी कि हमने उस स्टिमुलस को के लिए क्या दिया, उस फैक्टर के लिए जो हमने हाथ हटाया, वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो कॉन्शियसनेस क्या है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट and respond to environment factor। ये क्या कहलाता है, consciousness, ठीक। अब इसमें stimulus क्या होता है, What is stimulus? Stimulus can be anything, कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो लाइट हो, वाटर हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह का केमिकल हो, ठीक है, या फिर पॉल्यूटेंट्स हो गए, कुछ भी हो, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसमें क्या होता है, स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग, कोई भी चीज हो वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस कहलाएगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाए, फॉर एग्जाम्पल शेर आ जाए, तो क्या हम खड़े रहेंगे यहाँ पे, नहीं, क्या करेंगे, हम यहाँ से भागेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कॉन्शियसनेस हुआ ना, यानी कि आया, हमने क्या फील किया, डर कि हमें खा जाएगा, और हम क्या करेंगे, वहां से भागेंगे, तो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। तो स्टिमुलस जो होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, पॉल्यूटेंट्स, एनीथिंग, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक। स्टिमुलस किसी भी तरह का हो सकता है। अब ये रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स, व्हाट इज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स होता है विजिबल रिएक्शन, ठीक। जो हम स्टिमुलस को फील करने के बाद, या फिर स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देते हैं, या जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो रिएक्शन देते हैं, वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या है, विजिबल रिएक्शन, विजिबल रिएक्शन, ठीक है।
रिस्पॉन्स क्या होता है? विजिबल रिएक्शन होता है जो हम किसके अगेंस्ट देते हैं, स्टिमुलस के अगेंस्ट देते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिएक्शन देता है वो रिएक्शन क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, चाहे प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के ही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये कॉन्शियसनेस उनमें पाया जाता है। यानी कि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितना भी छोटा हो, उनमें नर्वस सिस्टम हो या ना हो, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जिनमें पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, यूकैरियोट्स जो हो गए, उनमें जिनमें कि नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सभी क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे स्पंज, स्पंज जो हम पढ़ते हैं जूलॉजी में, तो स्पंज क्या होता है? स्पंज में किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम तो नहीं पाया जाता है, उसमें नर्व सेल्स तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं? कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कॉन्शियसनेस वो कैसे शो करते हैं, किस तरह से? यानी कि उन्हें क्या करना है, किस तरह का फूड मटेरियल उन्हें चाहिए, ठीक है, फूड मटेरियल वो भी अपना खाते हैं, या फूड मटेरियल अपना वाटर से क्या करते हैं, वो लेते हैं। तो उनका जो फूड मटेरियल, ऐसा नहीं कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट आया, कोई भी इंसेक्ट आया, उसे खा गए, वो क्या करते हैं? वाटर में से लेते हैं, अपना फूड मटेरियल गेन करते हैं। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का कॉन्शियसनेस हो गया। यानी कि जो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटा जो होता है वो क्या करता है? कॉन्शियसनेस शो करता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं पिचर प्लांट का, ठीक है, उसमें क्या होता है? पिचर प्लांट में अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो पिचर प्लांट में उसका शेप कैसा होता है? ऐसे होता है ना, उसमें लीड पाई जाती है ऊपर, ऐसे होता है। उसमें क्या होता है? जब कोई भी इंसेक्ट क्या करता है, उड़ते हुए आता है, तो क्या करता है? उसका जो ऊपर कैप होता है उससे क्या करता है? उसे बंद कर देता है, यानी कि कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है उस इंसेक्ट को। तो ये भी क्या हुआ? कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक, यानी कि उसे पता है, उसके अंदर भी ये चेतना है कि इंसेक्ट है जो उसका फूड मटेरियल बन सकता है, वो आया है, तो हम उसे क्या करें? उसे ट्रैप कर लें, ये हमारा फूड मटेरियल होगा, ठीक है। यानी कि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वो कॉन्शियसनेस शो करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कैसे? यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, जैसे कि प्लांट कोई स्पेसिफिक सीजन जो होता है, हर प्लांट जो होता है उसका स्पेसिफिक सीजन होता है। यानी कि फ्लावरिंग का सीजन होता है, कि ये होता है ना कि ये प्लांट जो होंगे इनमें फ्लावर कब आएंगे, इस स्पेसिफिक सीजन में आएंगे, तो वो भी क्या होता है? उनमें भी सेंसेशन होता है, ठीक। तो सीजनल फ्लावरिंग हो गई है ना, सीजनल फ्लावरिंग, सीजनल ब्रीडिंग, कुछ एनिमल्स में क्या पाई जाती है? ब्रीडिंग, सीजनल ब्रीडिंग, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीडिंग होती है, वो क्या कहलाती है? सीजनल ब्रीडिंग। यानी को हर सीजन में वो ब्रीड नहीं करते हैं, स्पेसिफिक सीजन में ही ब्रीड करते हैं, यानी तो वो क्या शो करते हैं? सीजनल ब्रीडिंग शो करते हैं, ठीक।
प्लांट की बात करें तो आपने नाम सुना होगा मीमोसा, प्यूडिका, मीमोसा प्यूडिका। इसका एक और नाम है छुई मुई। सभी ने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है छुई मुई। इसे क्या करते हैं, जब हम टच करते हैं तो इसकी लिप्स क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। पहले फैली हुई रहती हैं, जब हमसे टच करते हैं क्या होती है, वो धीरे से सिकुड़ जाती हैं। तो ये क्या हुआ, ये भी कॉन्शियसनेस का ही एग्जांपल है। ये जो रिस्पांस होता है इनका लिप्स को, इसकी जो लिप्स नीचे हो जाती हैं वो क्या है, इसका रिस्पॉन्स है। तो ये क्या होगा, ये भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ठीक, एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्शियसनेस सभी शो करते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सभी हो गए। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन शो करता है, केवल ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं केवल वही शो करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक, जैसे कि कोई पेशेंट हो गया, ठीक, कोई पेशेंट हो गया जो कि हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, उसमें क्या हुआ, उसका हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है या फिर उसके लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उसे मैकेनिकल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, उसमें उसके हार्ट को, लंग्स को, इन सबको क्या किया जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट दिया जाता है। किसी का कोमा में है यानी कि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है या फिर उसका ब्रेन क्या है, डेड हो चुका है, इस कंडीशन में क्या होगा, वो लिविंग तो है, ठीक, कॉन्शियसनेस तो शो कर रहा है, इसलिए ये लिविंग है। ठीक, लेकिन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं, उसका जो कोऑर्डिनेशन है सभी ऑर्गन्स के साथ, उसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए ये क्या करेगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा। जो पेशेंट है कोमा का, वो सिर्फ क्या शो करेगा, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट फीचर, प्लांट्स डू नॉट शो सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स। ठीक, प्लांट्स में क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक, अब हम तो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कॉन्शियसनेस शो करते हैं, तो वो शो कैसे करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू शो करते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन्स जिससे वो फील करते हैं। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हो, जैसे हमारी स्किन हो गई, ईयर्स हो गए, नोज हो गया, आईज हो गई, ये सब क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें होता क्या है, जैसे हमारी ये जो सेल हो गई, ठीक, इनमें रिस्पांस होता कैसे है, जैसे हमारी बॉडी में जो सेल हो गई, तो जितनी भी सेल होती हैं, ठीक, उनके जो सरफेस होती है, उनके सरफेस में स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक, जब कोई भी स्टिमुलस इन रिसेप्टर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इस सेल को यहाँ पे ये अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, यानी कि सिग्नल अंदर भेजा जाता है, फिर इसका सेल का क्या रिस्पांस होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि सिग्नल किस तरह का है, किस तरह का रिस्पांस देना चाहिए, ये सेल डिसाइड करती है। ठीक, तो जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये सेल्स जो होती है हमारी, जो इनमें क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर पाए जाते हैं स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। ठीक है, या केमिकल के लिए, हमारा स्टिमुलस हमने आपको बताया भी कि किसी भी तरह का हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉन्शियसनेस। थैंक यू।